आज मैं आपको लेसन 7 पार नजर के पढ़ाने जा रही हूँ और इस पाठ के जो लेखक हैं वो जयंत विष्णु नारलकर जी हैं और ये जो पाठ है ये मराठी से अनुवाद किया गया। मराठी में ये लेसन था, मराठी भाषा में, उसको हिंदी में अनुवाद किया गया है। ये मैंने कुछ नए शब्द लिखे हैं, देख लीजिए। सुरंग, चुनिंदा, नियंत्रण, माहौल, लाजमी, अंतरिक्षयान, सौर मंडल। शब्द अर्थ है सुरंग। सुरंग का अर्थ होता है जमीन के अंदर का रास्ता, जो नीचे जमीन खोद करके हम अंदर एक स्थान से दूसरे जगह जाते हैं, अंदर से जो रास्ता बनता है उसको हम सुरंग कहते हैं। चुनिंदा, चुनिंदा का अर्थ होता है चुना हुआ। ढांचा, टोकरा। खाचा, खाचा का अर्थ होता है टोकरा। लाजमी, जरूरी। मुमकिन, संभव। मंशा, इच्छा। दुरुस्त, ठीक। ये जो पाठ है ये रोबोट पर आधारित है। रोबोट एक ऐसा यंत्र है जिसे आदेश देकर हम कोई भी अपना काम करवा सकते हैं। इसमें सिर्फ हमें आदेश या हुक्म बताना रहता है कि कौन कौन से काम हमको हमने उसे करवाने हैं। ये एक मशीनी यंत्र है और ये हर काम कर सकता है। मानव, मनुष्य भी अपना सब काम कर सकता है। मनुष्य और रोबोट में केवल ये अंतर है, अंतर तो बहुत है लेकिन खास अंतर ये कि मनुष्य सजीव है, उसमें हृदय की धड़कन है, दिल धड़कता है। मनुष्य अपनी सोच के अनुसार काम कर सकता है, वो हर काम करने में सक्षम होता है मनुष्य। रोबोट को हमें आदेश देना पड़ता है। हम कितना भी कठिन काम क्यों ना हो हम उसे आसानी से करवा सकते हैं। रोबोट हमारे आदेशों का पालन करता है। तो चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में तरकारियों की दुकान और दो रोबोट दिखाई दे रहे हैं। रोबोट कौन सी सब्जी खरीद रहा है? एक रोबोट दुकान पर बैठा है जो सब्जियां बेच रहा है, दूसरा रोबोट जो है वो क्या खरीद रहा है? बैगन। तो रोबोट कौन सी सब्जी खरीद रहा है? रोबोट बैगन खरीद रहा है। तुम्हारे पास रोबोट होता तो तुम क्या क्या काम करवाते? तो लाजमी है कि मान्य बात है कि हम भी अपनी इच्छा से जो हम काम नहीं कर सकते हम वो कठिन से कठिन काम करवाते। तो मेरे पास रोबोट होता तो मैं अपने घर के और बाहर के सारे कामकाज करवाता और समय मिलने पर मैं उसके साथ भी खेलता। सुनिए और बोलिए, तुमने कहाँ की यात्रा की है उसके बारे में लिखो। अब यहाँ पर जो है ताजमहल के बारे में लेखक बता रहे हैं कि मैंने ताजमहल की यात्रा की है। ताजमहल देख कहाँ है? आगरा में। उसे देखने के लिए दूर दूर से और विदेशों से भी बहुत से पर्यटक यानी टूरिस्ट आते हैं ताजमहल। किस क्या देखने? ताजमहल की सुंदरता को देखने के लिए। और ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। हाँ, किसकी याद में? अपनी बेगम मुमताज महल की याद में उन्होंने ये इमारत बनवाई थी जो विश्व की सबसे श्रेष्ठ इमारत है। मैंने ताजमहल की यात्रा की। हमारी गर्मी की छुट्टियां आरंभ हो चुकी थी। सभी ने मिल बैठकर ये निश्चय किया कि यहाँ से आगरा चलेंगे, वहां से ताजमहल देखेंगे। लगातार 3 घंटे की यात्रा कर जब हम आगरा पहुंचे तो हमारा मन प्रसन्नता से भर उठा। क्यों भर उठा? ताजमहल की खूबसूरती को देखकर उनका मन खुशी से भर उठा, प्रसन्नता से भर उठा। ताजमहल की चारों ओर ऊंची दीवार है जिस कारण इसकी छटा बाहर से दिखाई नहीं देती। टिकट लेकर हम भीतर गए। रक्षक दल से
मेटल डिटेक्टर की सहायता से हमारे सामान की जांच हुई और मुख्य द्वार उनसे फिर हमें अंदर जाने की आज्ञा प्रदान हुई। सफेद संगमरमर ताजमहल अपनी भव्य छटा बिखेरता दिखाई दे दिया। ताजमहल किस पत्थर से बना है? सफेद संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। यह एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है जिसके चारों ओर चार ऊंची मीनारें हैं। ताजमहल के अंदर नक्काशीदार मुमताज महल की कब्र है। हमें रास्ते में यात्रा के दौरान जितनी भी कठिनाई आई थी, यहाँ कौन सी कठिनाई बात है, यानी घर से आगरा पहुंचने तक जो जो कठिनाई उनको आई थी, वो सब कठिनाई ताजमहल की खूबसूरती को देखकर, ताजमहल की सुंदरता को देखकर उनकी खत्म हो गई, समाप्त हो गई। वह सब ताजमहल को देखते ही मिट गई। उसकी सुंदरता का जादू हमारे मन मस्तिष्क पर छा गया था। इतना खूबसूरत कि मन मोहित हो गया था, उनका मन बहुत ही आकर्षित हो गया था, मन बहुत ही प्रसन्न हो गया था। लोग यात्रा क्यों करते होंगे? अब ये तो आपको मालूम कि इंसान काम करते करते, मनुष्य काम करते करते थक जाता है। एक समय ऐसा था कि जब वो उसे उबन महसूस होने लगती है तो वो कुछ ये महसूस होता है, क्यों ना हम लोग सब मिलकर के बाहर जाएं, थोड़ा मनोरंजन करें, थोड़ा घूमें और अपने मित्रों के साथ समय व्यतीत करें, और इस तरह मन हल्का हो जाता है, काम का बोझ ना होने के कारण मन प्रसन्न हो जाता है, फिर आगे काम करने में भी मन लगता है। तो रोजाना काम का से आराम पाने के लिए लोग यात्रा करते हैं, करते होंगे। नई जगह जाने पर कैसा लगता होगा सोचकर बताओ। अगर हम नई जगह जाते हैं तो हम एक तो हमारा मन प्रसन्न होता है, दूसरा वहां की खास खास चीजों को देखने के लिए मन में उत्सुकता जागृत होती है कि यहाँ कौन कौन से ऐसे स्थान दर्शनीय स्थान है जिसे हम देख सकते हैं। बाहर लोग जाते घूमने के लिए क्यों जाते हैं? वहां के दर्शनीय स्थान को देखने के लिए, वहां कौन कौन सी इमारतें हैं या कौन कौन सी ऐसे स्थल हैं जिसको देख करके हमें तरह तरह की जानकारी प्राप्त होती है। तो नई जगह जाने पर मन प्रसन्नचित हो जाता है क्योंकि लोग दिन ब दिन काम काज की काम काज से मन उनका उग जाता है, इसलिए नई जगह जाने पर वहां के वातावरण से खुशी उनको मिलती है और वह प्रसन्नचित बन जाते हैं। पढ़िए, छोटू का परिवार कहाँ रहता था? छोटू का परिवार जमीन के नीचे रहता था। जमीन के नीचे यानी जहाँ सुरंग रहती थी वहाँ, क्योंकि उनके पिता बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, इसलिए वो नीचे रहते थे। और जमीन के अंदर जो सुरंग बनती है उसमें तरह तरह की अनेक तार ऐसे होते हैं जिनको छूने से जानकारी ना होने पर हमारा जीवन खतरे में पड़ जाता है। तो छोटू का घर का जो था वो जमीन के नीचे था। छोटू का परिवार जमीन के नीचे रहता था। कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और उसने क्या हरकत की? कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने कंसोल पैनल की एक लाल रंग का बटन देखा। छोटू का मन उस लाल बटन को दबाने की इच्छा उसमें हुई, उसने वही बटन दबा दिया। लाल रंग का जो बटन था उसको उसने दबा दिया। कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? कहानी में कंप्यूटर के अनुसार अंतरिक्ष यान को किसी ग्रह से छोड़े गए थे, किसी प्लैनेट से, किसी ग्रह से छोड़े गए थे। ये यंत्रों को बेकार कर देने में खतरा है। यंत्र बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे कि हम यहाँ पर रह रहे हैं। लिखे में देखिए, छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर चंद चुनिंदा लोग इस सुरंग नुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे जिनको जानकारी थी। सुरंग में जो यंत्र लगे थे, जो बटन लगे थे, हाँ, उसकी जानकारी कुछ ही लोगों को थी, इसलिए, और छोटू छोटा था इसलिए उसे सुरंग में जाने की इजाजत नहीं थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंग नुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे, इसलिए छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत नहीं थी।
इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी साधारण जनजीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया इसे लिखिए। इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी साधारण जनजीवन था। हमारे पुरखी जमीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आया। वातावरण में परिवर्तन कैसे होता है कि जब बाढ़ आती है या भूकंप आता है या पृथ्वी जो है वो फट जाती है, तब इस तरह का वातावरण होता है, यानी जनजीवन बाधित हो जाता है और परिवर्तन आ जाता है। इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी साधारण जनजीवन था। हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है। उष्णता मतलब गर्मी, उष्णता का अर्थ है गर्मी। तो सूर्य से हमें क्या मिलती है? सूर्य से हमें रोशनी मिलती है, गर्मी मिलती है। इन तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही प्रकृति संतुलन बिगड़ गया। वे सब नष्ट वातावरण के परिवर्तन के कारण हो गया था, इसलिए मंगल ग्रह पर जनजीवन नष्ट हो गया था। मंगल ग्रह पर जीवन क्यों समाप्त हो गया? जीवन सूरज में परिवर्तन होते ही प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया था। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में माँ के पशु पक्षी पेड़ पौधे अन्य जीव अशक्त साबित हुए। इस तरह मंगल ग्रह पर जीवन समाप्त हो गया था, यानी सूरज में परिवर्तन हुआ, कुछ प्राकृतिक परिवर्तन आए जिसके कारण पृथ्वी पर रहने वाले जो पशु पक्षी थे, मनुष्य थे, वो उस शक्ति को सहन नहीं कर सके, इसलिए मंगल ग्रह पर जीवन समाप्त हो गया। नंबर एक, नंबर दो और नंबर तीन अजनबी से निपटने के कौन से तरीके सुझाए हैं? नंबर एक, इस तरीका सुझाया, मतलब नंबर एक ने यह तरीका बताया, समझाया या सुझाया, जानकारी दी कि हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हमें अवश्य है। नंबर दो, एक वैज्ञानिक थे, उसने बताया हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है, इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। नंबर तीन, सामाजिक व्यवस्था का काम देखता है। नंबर तीन क्या देखता है? सामाजिक व्यवस्था का काम देखता है। उसने कहा हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जिससे वे लाभ उठा सकें। अब ये प्रश्न देखिए, इस पाठ में आप ये नए शब्द लिखेंगे, शब्द अर्थ लिखेंगे और प्रश्न नंबर लिखिए में प्रश्न नंबर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ आपने क्लास वर्क में लिखना है। आगे देखिए शब्द भंडार, अंतरिक्ष में जाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है सोचो। अंतरिक्ष यानी स्पेस, स्पेस में जाने के लिए जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो अपने साथ क्या क्या लेके जाते हैं? वस्त्र वो लेके जाते हैं, पहने रहते हैं, स्पेस सूट पहनते हैं। दूसरा, उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और थर्ड, उनको द्रव पदार्थ चाहिए होता है। सेकंड, जमीन के ऊपर का सफर कर आने का मौका मिल गया था। इस वाक्य में आए सफर और मौका शब्द के पर्यायवाची लिखे। सफर का अर्थ होता है पर्यायवाची, सॉरी, सफर का अर्थ होता है यात्रा और मौका का अर्थ होता है अवकाश। तो सफर का पर्यायवाची क्या होगा? यात्रा। और मौका का पर्यायवाची क्या होगा? अवकाश, अवसर। मौका का होगा अवसर और सफर का होगा यात्रा। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, अवकाश लिखा है। अवकाश का अर्थ होता है छुट्टी। तो यहाँ मौका का है पर्यायवाची क्या होगा? अवसर। हमें अवसर मिला, हमें अंतरिक्ष में जाने का अवसर मिला, तो मौका मिला या अवसर मिला, तो यहाँ मौका का पर्यायवाची अवसर होगा। इस वाक्य को नकारात्मक भाव में लिखो। जमीन के ऊपर का सफर
कर आने का मौका नहीं मिला। इसमें वाक्य होगा कि जब मौका मिल गया, जमीन के ऊपर का सफर कर आने का मौका मिल गया तो ऊपर दिया हुआ है। इसको अगर हम नकारात्मक भाव में लिखते हैं तो होगा जमीन के ऊपर का सफर कर आने का मौका नहीं मिल गया था। सृजनात्मक अभिव्यक्ति, ये कहानी जमीन के अंदर की जिंदगी का पता देती है। जमीन के ऊपर मंगल ग्रह पर सब कुछ कैसा होगा इसकी कल्पना करो और लिखो। मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के जमीन के ऊपर रहा करते थे। सेकंड, मान लो कि तुम छोटू हो और ये कहानी किसी को सुना रहे हो तो कैसे सुनोगे, सोचो और मैं शैली में ये कहानी सुनाओ। मैं पढ़ के बता दे रही हूँ, आप लोग सुन लो। मेरा परिवार जमीन के अंदर रहता था। चंद चुनिंदा लोग ही सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और मेरे पापा भी उनमें से एक थे। किसी न किसी तरह सिक्योरिटी पास लेकर मैं सुरंग के पास चलता हूँ। मैं पूरी कॉलोनी ही जमीन के अंदर बसी थी, यानी मेरी पूरी कॉलोनी जो थी वो जमीन के अंदर बसी थी। मैंने खांचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया। मैंने तो सुरंग में प्रवेश किया। मैं इतना छोटा कद होने के कारण नियंत्रण केंद्र में मेरे तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। सिपाही ने आकर मुझे घर वापस छोड़ दिया। पापा ने मुझे समझा कर बताया कि एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहा करते थे। धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। सूरज में परिवर्तन होते ही प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। अब तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। यंत्रों के सहारे हम जमीन के नीचे जी रहे हैं। एक दिन पापा मुझे कंट्रोल रूम में ले गए। वहां उन्हें पता चला कि अंतरिक्ष यान को किसी छोड़े गए एक नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वैक्यूम को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। प्रशंसा, आज वैज्ञानिक उपकरणों के आविष्कार से कई लाभ हुए हैं, साथ ही साथ इससे कुछ खतरे भी हैं। किसी भी चीज को ले लीजिए, अगर कोई चीज हमारे लिए फायदेमंद है, लाभकारी है, तो उससे कुछ हमें उसकी अधिकता करने, उसका दुरुपयोग करने पर हमें हानि भी हो सकती है। तो हर चीज का हमें सही ढंग से उसका उपयोग करना चाहिए ताकि हमें किसी प्रकार का नुकसान ना हो, किसी प्रकार की हानि ना हो। तो वैज्ञानिक उपकरणों के आविष्कार से कई लाभ हैं, इसके साथ ही साथ हानि भी होता है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि इस तरह के लाभकारक आविष्कारों को हम नैतिकता से सोचकर ठीक तरह से उसका इस्तेमाल करें। भाषा की बात, वार्तालाप शब्द वार्ता प्लस आलाप के योग से बना है। यहाँ वार्ता के अंत का आ और आलाप का आलाप के आरंभ का आ मिलने से जो परिवर्तन हुआ है उसे संधि कहते हैं। नीचे लिखे कुछ शब्दों में निम्न शब्दों की संधि कीजिए। देखिए, संधि दो प्रकार की होती है, एक स्वर संधि होती है, एक व्यंजन संधि होती है। स्वर संधि में जो ऊपर की जो दो लाइन होती है, जैसे इंग्लिश में जैसे हम वॉवल और कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, तो इंग्लिश में ए ई आई ओ ये वॉवल होते हैं और बाकी लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। लेकिन हिंदी में छोटा आ से लेके क्या अंगा तक, छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ओ, बड़ा ओ, ए आई ओ औ, ये जो टू लाइन्स होती है ये स्वर की कहलाती है। तो इनकी जो मात्रा इनकी जो मात्राएँ होती हैं उनको जोड़ने पर जो संधि बनती है। अब जैसे अ प्लस अ, इसके भी चार हैं, छोटा आ प्लस छोटा आ, बड़ा आ की मात्रा बनेगी, छोटा आ प्लस बड़ा आ, बड़ी बड़ा आ की मात्रा बनेगी, बड़ा आ प्लस बड़ा आ की मात्रा, बड़ा आ प्लस छोटा आ, बड़ा आ की मात्रा ही बनेगी। तो यहाँ पर दिया हुआ है शिष्टाचार, यानी शिष्टाचार का क्या अर्थ है, सभ्य,
जो सभ्य होते हैं, जो अच्छे काम करते हैं, जिनकी सोच अच्छी होती है, जिनका व्यवहार दूसरों के प्रति अच्छा होता है, तो शिष्टाचार का अगर हम संधि करते हैं तो शिष्ट प्लस आचार, श्रद्धांजलि, श्रद्धा प्लस अंजलि, दिनांक, दिन प्लस अंक, उत्तरांचल, उत्तर प्लस अंचल, सूर्यास्त, सूर्य प्लस अस्त, अल्पाहार, अल्प प्लस आहार, ये आपके संधि हो गए। कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ, ये बात हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे ही कार्ड उठाया दरवाजा बंद हो गया। ध्यान दो कि दोनों वाक्यों में क्या अंतर, ऐसे वाक्यों के तीन जोड़े तुम स्वयं सोचकर लिखो। घंटे बजते ही प्रार्थना शुरू हुआ, जैसे ही घंटा बजा या जैसे ही किसी ने घंटा बजाया प्रार्थना शुरू हो गया। पैर अंदर रखते ही बस चला, जैसे ही पैर रखा बस चला गया। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, छोटू ने चारों तरफ देखा, उपरोक्त वाक्यों में समानता होते हुए भी अंतर है। मुहावरे वाक्यों को विशिष्ट अर्थ देते हैं, ऐसा ही मुहावरा पहली पंक्ति में दिखाई देता है। नीचे दिए गए वाक्यों में नजर के साथ अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग हुआ है जिनसे मुहावरे बने, इनके प्रयोग से वाक्य बना। नजर पढ़ना, नजर पढ़ना माने दृष्टि पढ़ना, दृष्टि लगना, गलती करेगी तो दूसरों की नजर पड़ेगी। हम कोई भी कितना भी हम बचा कर कोई काम गलत अगर हमारे हमसे हो गया है या हम जानबूझ के भी करते हैं तो किसी न किसी की दृष्टि पड़ जाती है, तो नजर पड़ना का अर्थ होता है दृष्टि लगना, नजर रखना, देख रेख रखना, हमारे अफसर जरूर हमारे काम काज पर नजर रखेंगे। नजर आना, देख पड़ना, चोरी करते चोर मेरा मेरी नजर में आ गया, मुझे दिखाई पड़ गया, नजर आया, चोरी करते चोर नजर आया, मुझे नजर आया, मेरा नहीं होगा यहाँ, चोरी करते चोर मुझे नजर आया। नजरें नीची करना, गलती का पड़ना, मेरी मूर्खता के कारण ही अब ऐसी नजरें नीची होनी पड़ी, मेरी मूर्खता के कारण ही अब मुझमें या मुझे ऐसी ही नजर नीची करनी पड़ी। नीचे एक ही शब्द के दो रूप दिए हैं, एक संज्ञा है दूसरा विशेषण। वाक्य बनाकर समझो और बताओ कि इनमें से कौन से शब्द संज्ञा है और कौन से विशेषण, आकर्षण विशेषण, कि कोई कहते हैं ये इमारत बहुत ही आकर्षित आकर्षण है, कोई भी चीज हम कहते हैं बहुत ही आकर्षण है, तो ये विशेषण है। आकर्षण विशेषण, आकर्षण संज्ञा भी है विशेषण भी है, प्रभावशाली विशेषण प्रभाव संज्ञा, प्रेरक विशेषण प्रेरणा संज्ञा, प्रतिभाशाली विशेषण प्रतिभा संज्ञा। क्या ये मैं कर सकता हूँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ, पाठ के बारे में बातचीत कर सकता हूँ, पाठ के बारे में बातचीत कर सकता हूँ, भाव बता सकता हूँ, सही, इस तरह का पाठ पढ़कर समझ सकता हूँ, सही, पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिख सकता हूँ, सही, पाठ के शब्दों से वाक्य बना सकता हूँ, सही, इस पाठ के आधार पर अंतरिक्ष के बारे में कल्पना कर लिख सकता हूँ, सही। अब ये देखिए, आगे ग्रामर देखिए, व्याकरण में ये पूरा आपका दिया हुआ है और इसमें जो प्रश्न दिए हैं वो सब मैंने आपको आप प्रश्न तो बता दिए। यहाँ अनुच्छेद दिया है, इसको पढ़ते आपने आंसर लिखना है, और यहाँ पर व्याकरणांश में दिया हुआ है, संयुक्त वाक्य में बदलने के पूरा एक पीछे दिया हुआ है, आप इसमें से देख करके पढ़ लीजिएगा। अगर कहीं भी आपको समझ में ना आए तो आप लोग आकर के मुझसे पूछ सकते हैं या फोन पर भी आप मेरे से बात कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।